मांग करने से क्या होता है? किला आपको किसने दिया? आपके पास कोई दस्तावेज, शहंशाह का मोहर बंद खत, कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? शुक्र कीजिए कि ये मौका जोधा बेगम की बहन की शादी का है, वरना आपकी इस गुस्ताखी का माकूल जवाब दिया जाता। हम भी उसी अवसर का ही मान रख रहे हैं, नहीं तो यहां पर ना आपके सैनिकों की कमी है और ना ही राजवंशियों की, तलवारें यहां भी निकल सकती हैं। किंतु हम युद्ध की बात नहीं छेड़ना चाहते, यहां बात हो रही है परंपरा की, वचन की। परंपरा ये कि विवाह के समय कन्या पक्ष से वर पक्ष को उसकी मनचाही भेंट मिलती है, और वचन वो जो आपने दिया था हमें शहंशाह का प्रतिनिधि बनकर। हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, और अगर आपको यकीन नहीं आता है तो हम कसम खाते हैं अपनी वफादारी की कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। हमें सूबेदार शरीफुद्दीन पर पूरा यकीन है, किसी भी मुगल अहदेदार में इतनी हिम्मत नहीं कि शहंशाह के सामने झूठ बोलने की गुस्ताखी करे। प्रताप, हम अंबे मां की सौगंध खाके कहते हैं, शरीफुद्दीन ने हमारे सामने वचन दिया था। सुना आपने शहंशाह, कोई भी राजवंशी अंबे मां की झूठी सौगंध नहीं खा सकता। माफ कीजिएगा राजा साहब, सदाकत के लिए तो मुगल सल्तनत भी बहुत मशहूर है। कसम तो हमारे शरफुद्दीन ने भी खाई है, पर हमें इस बात का यकीन है कि शरफुद्दीन झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। झूठ आप सब बोल रहे हैं। शरफुद्दीन आपका बेटा आदम और स्वयं आप। बस अब एक लफ्ज और नहीं, आप हमारी बड़ी अम्मी और हमारे बहनों का झूठा कह रहे हैं, आप उनके खिलाफ उंगली उठा रहे हैं जिनके हाथ हमेशा हमारी दुआ के लिए उठे। हमें नहीं मालूम कि शरफुद्दीन ने आपको जुबान दी या नहीं, लेकिन हमने अपनी जोधा बेगम को जुबान दी थी कि हम यहां कोई फसाद नहीं खड़ा करेंगे। इसलिए हमें उकसाई है मत, क्योंकि हम जंग से पहले न दुश्मनों की गिनती करते हैं, ना ही जंग के बाद हम लाशों की। शहंशाह समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। यह विवाद दुर्ग को लेकर है, और निर्णय आप कर सकते हैं। हमने अपना फैसला कर लिया है कि हम रतनपुर का किला किसी भी हाल में नहीं देंगे। रही बात सुकन्या की शादी की, तो जिस तरह से हमने इसे ढूंढा है, इस तरह हम किसी और राजवंशी को भी ढूंढ सकते हैं। हमने हर संभव प्रयास किया, परंतु ना जाने कैसे ये कैसा विघ्न आ गया।
हम सभी लोग इस बात से भयभीत थे कि कहीं कुंवर प्रताप और शहंशाह के बीच अनबन ना हो जाए, लेकिन यहां तो अंत समय में समदेसा की ओर से ही संकट आ गया। क्या करें क्या ना करें मासा, समदेसा ने शपथ लेकर कहा है कि उन्हें दुर्ग देने का वचन दिया गया था, और शहंशाह कहते हैं कि उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। दोनों की बातें सही हो सकती हैं बापू साहब, हम ये नहीं कह रहे कि कुंवर बाजेंद्र जी के पिताजी ने झूठ बोला है, परंतु शहंशाह ने स्वयं कोई वचन नहीं दिया, ये बात सत्य है। परंतु वचन शहंशाह के पक्ष से तो आया है ना जोधा, शरीफुद्दीन शहंशाह का बहनोई है, और फिर ये विवाह भी तो शहंशाह ने ही पक्का किया था। यही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, शहंशाह पूरे मन से चाहते थे कि सुकन्या का विवाह हो जाए, इसलिए तो उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर धवलगढ़ में चर्चा प्रारंभ की थी और प्रसन्नता से अपने पूरे परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हुए और कई सारे अनमोल भेंट भी दिए, यहाँ तक कि जब उन्हीं के हाथी को मदमस्त कर उनपे आक्रमण करवाया गया तब भी वो शांत रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि सुकन्या का विवाह ठीक से हो जाए। समदेसा क्यों नहीं समझ रहे जिस दुर्ग पर शहंशाह का अधिकार है उसे समदेसा आमिर की संपत्ति कैसे समझ सकते हैं? हम नहीं जानते कि कौन झूठ कह रहा है कौन सच, कौन अन्याय कर रहा है और कौन न्याय, पर दुविधा विकट है। एक तरफ हमारी एक बेटी का होने वाला ससुराल है तो दूसरी तरफ हमारी दूसरी बेटी का, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें हम, कौन सा मार्ग चुने हम? कोई ना कोई मार्ग तो निकालना होगा ना भारवल। क्या मार्ग निकाले मासा, समधी जी अपनी बात पर अड़े हैं कि उन्हें अगर दुर्ग नहीं मिला तो भारत का लौटना निश्चित है। पहले राजवंशी हमें कलंकित समझते और अगर ऐसे में सुकन्या की बारात लौट गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो शहंशाह से क्या अपेक्षा रखती हैं दादी साहब? शरीफुद्दीन और संबंधी जी के बीच में जो समझ का फेर हुआ है उसका भुगतान शहंशाह करे? जो वस्तु उनकी प्रिय है जिस पर उनका अधिकार है वो केवल समदेसा के हट के लिए उन्हें दे दे? ये कहां की परंपरा है, कन्या से अधिक कन्यादान में क्या वस्तु मिल रही है इसकी समदेसा को अधिक चिंता है, जैसे विवाह नहीं कोई सौदा हो। बापू साहब उनसे कह दीजिए यदि उन्हें किला चाहिए तो युद्ध कीजिए और उसे जीतिए। बात ये नहीं है चौधा, शरीफुद्दीन शहंशाह के बहनोई है और समदेसा ने उन पर विश्वास किया था। परंतु भाई साहब जिस वस्तु पर आमिर का अधिकार ही नहीं है वो कन्यादान में समदेसा को कैसे दे दे? बात अब अधिकार की नहीं रही चौधा, बात अब वचन की है। एक राजवंशी के सम्मान उसके हट की है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ छल हुआ है। हमें तो लगता है छल शहंशाह के साथ हुआ है। जो कुछ भी हो वचन निभाने में शहंशाह भी हम राजवंशियों से कम नहीं है, यदि उन्होंने वचन नहीं दिया है इस कारण से उन्होंने नहीं दिया है, और इस प्रकरण में हम शहंशाह के साथ हैं। कौन किसके साथ है यह विरुद्ध, इससे हमारी बेटी का बसा हुआ घर नहीं उजड़ना चाहिए। जो हो रहा है वो शुभ नहीं है, आपको इसे रोकना होगा। कुछ कीजिए कुछ भी, सुजानपुर के पश्चात हम अपनी बेटी की पीड़ा दोबारा नहीं देखना चाहते। यदि किसी को सबसे अधिक पीड़ा होगी तो वो सुकन्या को, अपमान होगा एक राजवंशी कन्या का और वो हम सह नहीं पाएंगे। हम राजवंशी अपनी बहु बेटियों के मान के लिए अपने प्राण तक दे देते हैं, उन्हें यूं सामने रखकर क्रय विक्रय का खेल नहीं खेलते। ये जो हो रहा है ये विवाह नहीं व्यापार है, ये राजवंशी धर्म के विरुद्ध है, इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। हम आपका सम्मान करते हैं कुंवर प्रताप, आपका कथन सत्य है, किंतु ये भी सत्य है कि वो दुर्ग हमें देने का वचन दिया गया। दुर्ग दुर्ग दुर्ग, यदि दुर्ग चाहिए तो एक सच्चे राजवंशी की भांति युद्ध करें, जी लीजिए उनसे। तो व्यापारियों के जैसे मोल भाव क्या करते? कुंवर बजेंद्र आप हमारे मित्र हैं इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ये सब सही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप, हमने भी सदैव आपको अपना मित्र ही समझा है और आपकी दी हुई सीख का आदर किया है, किंतु इस विषय तुम शांत रहो कुंवर बजेंद्र, तुम अभी भी छोटे हो और अनुभवहीन हो। कुंवर प्रताप हम राजवंशी मान के लिए ही हट कर रहे हैं, ये अब हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है, हमें वचन देकर वो पलट गए हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको हमारा साथ देना चाहिए। साथ तो भी इस विषय
कदापि नहीं। आप राजवंशियों की मर्यादा को धूल में मिला रहे हैं। एक राजवंशी वचन लेता है अपनी मित्रता का, अपनी सुरक्षा का वचन काय लेते हैं। वो लेते हैं जो अपनी सुरक्षा करना ना जानते हो। आप एक राजवंश में जन्मे, तलवार चलाना जानते हैं, आप द्वंद कीजिए। कन्यादान दान है जिसे सिर झुकाकर ग्रहण किया जाता है, हट करके उसे मांगा नहीं जाता। वीर भोग्या वसुंधरा, धरा उसकी जो उस पर शासन कर सके, दुर्ग उसका जो उसे लड़कर जीत सके। यदि दुर्ग चाहिए उसके लिए युद्ध करना हो तो प्रताप प्रस्तुत है, किंतु इन व्यापारियों के तोल का साधक बनना वो हमें स्वीकार नहीं। एक बात हमेशा स्मरण रखिए, बरात वही श्रेष्ठ होती है जो वधू को साथ लेकर लौटे। तो बिना वधू के लौटे उस बरात के वर को युद्ध में हारे हुए राजा के समान, एक दंडित राजा के समान मानते हैं। प्रयास करिएगा कि आपके माथे पर यह कलंक ना लगे। जलाल, ये शरबत पीजिए, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। कैसो की शरबत है बड़ी अम्मी, जैसे पीने से हमारे अंदर खोलता हुआ खून ठंडा हो जाए। अगर हम चाहते तो चुटकी भर में दबलकर छीन सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने वजिंदर और उसके वालिद को अपनी सरपरस्ती दी, हिफाजत का वादा किया, सुकन्या जैसे एक नेक लड़की से उसके साथ रिश्ता तय करवाया, अपना रिश्तेदार बनने की इज्जत बख्शी, और उसके बावजूद उन्होंने हमारी ये तौहीन की, वो भी अकेले की खातिर। माफ कीजिएगा जलाल, कुछ दिन पहले आप ही ने हमसे कहा था कि आप उनके दिलों पर हुकूमत करना चाहते हैं, लेकिन जलाल, जिनके दिलों में खुदगर्जी छिपी होती है उनके दिलों पर हुकूमत नहीं की जाती, वहां सिर्फ ताकत से बात बनती है। इतनी कमजोरी है आप में, लेकिन उसके बावजूद आप सुकन्या के निकाह में शरीक होने आए। दो बार आप पर जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन फिर भी हम चुप रहे, क्योंकि आपकी दिली ख्वाहिश थी इस निकाह में शरीक होना। लेकिन अब जलाल माफ कीजिए, हम चुप नहीं रहे। हमें ऐसे लगता है जलाल, अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, हमें कल ही आगरा रवाना हो जाना चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं बड़ी अम्मी, हम आपके लिए कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, लेकिन अब मामला ही अलग है। हम यहां ऐसे मुगल सल्तनत की इज्जत में इजाफा करने के लिए, लेकिन अब यहां खुद हमारी तौहीन हुई है। बड़ी अम्मी, आप मलिका आजम और बाकी सब तक ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि हम कल सुबह ही सबके साथ आगरा के लिए रवाना होंगे। शुक्र है अब आमिर से पीछा छूटेगा। आप कहां जा रहे हैं प्रताप? हमें बहुत दुख है कि जो भी हुआ एक राजवंशी बहन के विवाह में हुआ, और अब जो होगा वो विवाह नहीं, व्यापार होगा, मोल भाव होगा, वो हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रताप, आप रुक जाइए, हम अवश्य कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। नहीं बारमल जी, यदि बात मान और मर्यादा की होती तो हल तलवार की नोक से लिखा जाता, किंतु हमें दुख है कि यहां पर हाथ जो उठ रहे हैं वर पक्ष के, वो तलवार उठाने के नहीं, एक दिए हुए वचन की दुहाई देने के, और वो हमें पसंद नहीं। नहीं प्रताप, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, वैसे भी हमने आपको विधिवत विदा नहीं किया है। विदा होने तक हम यहां पर रुक गए तो कई कायर संसार से विदा हो जाएंगे बाहर मंजे, किंतु नहीं, हमने आपको वचन दिया है, हम यहां पर संबंध निभाने आए, तलवार उठाने में आज्ञा दीजिए। संधी साहब, आप हमारी व्यथा और कठिनाई को समझने का प्रयास कीजिए, हमें विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर हो सकता है कि समझने में कोई भूल चूक हो गई हो। भूल चूक का कोई प्रश्न ही नहीं है भारमल जी, राजवंशी कभी असत्य नहीं बोलते, अकारण ही सब के सामने अपनी प्रतिष्ठा भंग करवाना भला कौन चाहेगा। मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न तो हमारे लिए खड़ा हो गया है समधी साहब, सुकन्या की बारात अगर लौट गई तो। राजा जी, हम आपकी बात से धवलगढ़ के राजा हम हैं, ये निर्णय हमारा ही होगा भारमल जी, दुर्ग नहीं तो यह संबंध नहीं।
ठीक है, आप हमें थोड़ा समय दें ताकि हम शहंशाह से विचार विमर्श कर सकें, उन्हें मना सकें। यदि हम आपको समय दे भी दें तो क्या आप हमें ये वचन देते हैं कि रतनपुर का दुर्ग हमें मिलेगा? संदीसा, हम वचन तो नहीं दे सकते क्योंकि रतनपुर उनके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दुविधा को सुलझाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, वही हम आपसे मांग रहे हैं। आपने जीवन देखा है, आप हमारी समस्या को समझ सकते हैं। देखिए, इतने अपमान के पश्चात तो हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना था, परंतु आप राजवंशी हैं इसलिए आपकी बात को थोड़ा मान तो देना ही होगा। हम आपको थोड़ा समय देते हैं, किंतु स्मरण रहे कि आपके पास अधिक समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोती, तुमने सुकन्या को देखा क्या? वो अपने कक्ष में नहीं है, और तुम कहाँ थी इतनी देर से? सुकन्या मासा के पास है, और हम आपके लिए आवश्यक पत्र लेकर आए। ये संदेश किसने भेजा हमें? तो जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो देविका दासी के पति ने दिया। क्या लिखा है इसमें? हमें जाना होगा। क्या, कहाँ जाना होगा? देखो जोधा, इस समय महल में सब पहले से ही बहुत चिंतित है, और ऐसे समय में तुम इस पर कहाँ जाओगी? किसने भेजा ये संदेशा तुम्हें? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। मोती, हम समझ सकते हैं कि तुम नहीं चाहते कि हमारे कारण आमिर में कोई संकट आए, परंतु हमारा विश्वास करो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आमिर की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमें सुकन्या के कारण जाना ही होगा। एक काम करो, तुम अपने कोई से भी वस्त्र लाकर हमें दो, हमें पहनना है। हमारे वस्त्र? क्यों, नहीं नहीं, तुम हमारे वस्त्र नहीं पहनोगी। मोती, विवाद मत करो, हम जो कह रहे हैं वही करो, जल्दी जाओ। क्षमा कीजिए, आने में थोड़ा विलंब हुआ, तो पापुसा से छिपकर आना पड़ा। कहिए, आप क्यों मिलना चाहते थे हमसे? क्योंकि हमें लगा वो केवल आप ही हैं जो हमें समझ पाएंगी। हमारी कुंवर प्रताप से बात हुई, दुर्ग के नाम पर जो भी क्लेश चल रहा है वो उचित नहीं है। ये कन्या धन दान से अधिक व्यापार लग रहा है। आज जो कुछ भी हुआ वो शुभ नहीं था। तो आप अपने बापूसा से बात क्यों नहीं करते हैं? आप समझ सकते हैं जोधा जी, हमारे संस्कार हमें अपने माता पिता के समक्ष बोलने की अनुमति नहीं देते, परंतु हम सुकन्या से विवाह करना चाहते हैं। हमारे पिताश्री जिस बात पर अड़े हुए हैं वो उनका हट नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। शरीफुद्दीन स्वयं चलकर हमारे पास आए और उन्होंने ही कहा था कि विवाह के उपलक्ष्य में ये दुर्ग हमें भेंट में दिया जाएगा। अब यदि बापूसा इस किले के बिना विवाह स्वीकार करते हैं तो हम सबके समक्ष झूठे साबित होंगे, और आप तो जानती हैं जोधा जी, राजवंशियों के लिए मान और वचन की कितनी प्रतिष्ठा है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं, और हमसे अधिक आपके परिवार के साथ। हमें ज्ञात है हमारे पिताश्री की हट आपको लालच लग रही है। एक स्त्री के मान के आगे दुनिया का कोई भी दुर्ग मूल्यवान नहीं होता, किंतु हम ये भी जानते हैं कि यदि वो दुर्ग हमारे पिता को नहीं सौंपा गया तो वो हमारा सुकन्या का विवाह नहीं होने देंगे। तो अब आप अपनी बात बताइए, क्या आपके लिए भी सुकन्या से अधिक महत्वपूर्ण दुर्ग है? यदि ऐसा होता तो हम आपको मिलने के लिए यहाँ नहीं बुलाते। हम सुकन्या से विवाह करना चाहते हैं। कन्या धन दान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है हम इसका विरोध करते हैं। हमें ये दुर्ग नहीं चाहिए। आपको जो कहना था आप कह चुके, अब आप यहाँ से जाइए। और हाँ, आपके विचार जान के हमें प्रसन्नता हुई। जोधा, जोधा, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है,
ये सब कुछ वापस आ जाएगा। समधी साने शपथ लेकर कहा है कि उन्हें दुर्ग देने का वचन दिया गया था। शहनशाह कहते हैं कि उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं। शरीफुद्दीन स्वयं चलकर हमारे पास आए थे और उन्होंने ही कहा था कि विवाह के उपलक्ष्य में ये दुर्ग हमें भेंट में दिया जाएगा। क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई? अच्छा बाद में बता दीजिएगा, अभी शीघ्रता करिए। कहीं किसी ने आपको हमारे वस्त्रों में देख लिया तो क्या उत्तर देंगे? नहीं मोती, अभी वस्त्र बदलने का समय नहीं आया है। हम समझे नहीं। बस यूं समझ लो कि हम जान गए कि इस कुचेष्टा के पीछे किसका हाथ है। बस एक बार अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए हमें शरीफुद्दीन के पास जाना होगा। नहीं जोधा, ये सुरक्षित नहीं। हमें इस चुनौती का सामना करना ही होगा और हमारे पास केवल आज का दिन है। यदि आज हम इसका हल नहीं निकाल पाए तो हो सकता है कि कल तक बारात लौट जाए। एक बार सत्य की पुष्टि हो जाए तो शहनशाह को हमें समझाना आसान होगा। तुम यही रुको।